सलमान खान को आखिरकार जोधपुर सेशन कोर्ट से काला हिरण शिकार मामले में जमानत मिल ही गई। सलमान को 50,000 रुपए के मुचलके पर ये जमानत दी गई है। काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को 20 साल बाद सजा सुनाई गई थी, उसमें महज 2 दिन के भीतर ये जमानत उन्हें मिली है। सेशन जज रविंद्र कुमार जोशी ने शनिवार को 3 बजे 25,000 के मुचलके पर सलमान को जमानत देने का फैसला लिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद सलमान के वकील ने कहा कि हमें इंसाफ की उम्मीद थी और हमें मिला है। सेशन कोर्ट के जज रविंद्र जोशी ने ट्रांसफर होने के बावजूद आज सलमान की जमानत याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई से पहले सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार जोशी और सलमान को सजा सुनाने वाले CJM देव कुमार खत्री के बीच चैम्बर में बातचीत भी हुई थी। बता दें कि सेशन जज रविंद्र कुमार जोशी का शुक्रवार को तबादला कर दिया था, लेकिन रिलीव होने से पहले उन्होंने सलमान की सजा सस्पेंड कर बेल दे दी। खबर सुनते ही कोर्ट के बाहर खड़े सलमान के समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। सलमान के फैंस ने फूलों की बारिश की। कोर्ट के बाहर और जेल के बाहर समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। एंटरटेनमेंट डेस्क, न्यूज़ टाइम्स इंडिया।